हेलो गाइस, नमस्ते। आई एम तुषार पांडे। यह हमारा तीसरा ब्लॉग है। तो आज हम लोग पूर्णिया टू देवघर जा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर जल चढ़ाने। यह हमारा तीसरा ब्लॉग है। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं घर से, आगे सारी डिटेल आपको देते रहेंगे। हर हर महादेव। गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं। हमारे साथ हमारे भैया, भाभी और हमारा भतीजा। तो हम लोग अभी रास्ते में रुके हुए हैं और अपडेट आपको आगे देते हैं, मिलते हैं फिर। तो गाइस, अभी हम लोग कुछ देर के लिए भागलपुर में रुके हुए हैं। ये हमारे साथ हमारे असिस्टेंट ड्राइवर आ चुके हैं, जिसका नाम है रोहित पांडे। और ये हमारे साथ यहाँ पे रुके हुए थे, चाय वाय पीना हुआ है। अब फिर यहाँ से निकलते हैं, आप डायरेक्ट सुल्तानगंज पे रुकेंगे और फिर वहीं आपसे मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं। समय हो रहा है 7:30। अब यहाँ पे नहाना है, फिर यहाँ पे जल भरना है और फिर वो लेके निकलना है देवघर की ओर। तो देखते हैं, अब 9:30 बजे तक निकलेंगे। 150 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से देवघर, 6 घंटे समथिंग लगेंगे। और तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस, अभी हम लोग नहाने आ चुके हैं गंगा नदी में, आप देख सकते हैं। अभी सबको ही नहाएंगे, फिर यहीं से जल भरेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। हेलो गाइस, तो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और हम लोग कोई जगह पर रुके हुए हैं, रास्ते का नाम नहीं पता। तो थोड़ी देर का विश्राम लिया गया है चाय पानी पीने के लिए। शिव जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। तो गाइस, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग देवघर से 50 किलोमीटर पीछे हैं। तो समथिंग 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता अब। तो गाइस, सुबह के 3 बज रहे हैं और हम लोग देवघर मंदिर के पास आ गए हैं। नदी है जिसका नाम है शिव गंगा कुंड। और यहाँ की स्टोरी है कि यहाँ पे रावण ने मुक्का मारा था, तब यहाँ से गंगा देवी प्रकट हुई थी। और यहाँ पे नहा के तब हम लोग निकलेंगे मंदिर के और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। लोकेशन पर पहुंच, तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग लाइन में लग चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो बहुत लंबी लाइन है, का पूजा हो गया और अब हम लोग निकल चुके हैं बासुकीनाथ की ओर। तो यहाँ से बासुकीनाथ है 45 किलोमीटर, तो समथिंग 1 घंटा लगेंगे। तो फिर बासुकीनाथ पहुँचते हैं। बासुकीनाथ पहुंच गए और यहाँ पे जल भी चढ़ा लिया। मंदिर में भीड़ ज्यादा थी और कैमरा यूज करना मना था, सो इस वजह से हम लोग कैमरा यूज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे भी जल अर्पण हो गया है। अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्या प्लान है आपको बताते हैं। तो बासुकीनाथ हमने 1 घंटे रेस्ट करने के बाद, अभी समय 9 बज रहे हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भागलपुर मंदार। हेलो
हेलो गाइस, तो हम लोग मंदार हिल पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर का ये देख सकते हैं आप नज़ारा, क्या खूबसूरत है। और यहाँ से पहाड़ चालू होती है और हमें यहाँ से रास्ते रास्ते जाके वहाँ जाना होता है एकदम लास्ट में। वो देख सकते हैं आपको मंदिर से हो रही है, जाने में 2.5 से 3 घंटे लग ही जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे मंदिर पर्वत की पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में ही सबकी हालत ख़राब हो रखी है, देख सकते हैं आप। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकल रही थी कि 15 मिनट के अंदर चढ़ के दिखाएंगे। अभी देखिए होता क्या है, 15 मिनट तक आपके साथ हम बने रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट जी, हमारे ब्लॉग का लास्ट पार्ट था। अब हम लोग भागलपुर मंदार हिल से घर के लिए निकल रहे हैं। सो होप यू आर लाइक दिस, लगता है आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट लाइक टू शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।